Students, today we are going to start chapter number 3, Features, Problems and Policies of Agriculture from our book number 2, that is Indian Economic Development, which is written by T.R. Chen. Here we are going to discuss the importance of agriculture in the Indian economy, which is our first concept of this chapter. Importance of agriculture in the Indian economy. Indian economy mein jo hai Bharat ki sabhyata hai, wahan pe agriculture ki kya importance hai? एग्रीकल्चर इज़ ऑफ क्रिटिकल इम्पॉर्टेंस इन द इंडियन इकॉनमी. एग्रीकल्चर जो है इंडिया की इकॉनमी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है. द फैक्ट इज़ हाईलाइटेड थ्रू द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. कुछ ऑब्जर्वेशन मैं आपके बताऊँगी, उसके थ्रू हमें ये सब चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी. नंबर फर्स्ट इज़ अ कंट्रीब्यूशन टू GDP, कि एग्रीकल्चर की GDP में ग्रोथ में जो हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. Agriculture makes a significant contribution to the GDP of India, to GDP in India. During the period of planning, contribution of agriculture sector to GDP has been lagging between 51% to 17% for different years. कह रहे कि planning के जो planning period था और जो contribution की उसमें क्या GDP में क्या contribution रही थी agriculture sector की, वो है 17.4% से लेके 51% तक रही थी अलग अलग सालों में, कभी बढ़ गई कभी कम हो गई. इट हैज़ टेंडेड टू डिक्लाइन ओवर टाइम, जो कि टाइम के साथ साथ डिक्रीज होनी शुरू हो गई. फ्रॉम एस आई हैज़ 51% इन 1950 to 51 टू 14.4% इन 2018 in 19, जो कि पहले 50-51 में 51% थी GDP के, जो एग्रीकल्चर की जो कंट्रीब्यूशन थी GDP में वो धीरे धीरे कम होकर 14.4% रह गई. हाउएवर द डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ GDP डजंट इंडिकेट्स द डिक्लाइन इन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकॉनमी. इट ऑफन अकर्स ऑन द रिलेटिवली फास्टेस्ट ग्रोथ ऑफ स्कैंडिनेवियन टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इकॉनमी. इसका मतलब ये नहीं है कि हम एग्रीकल्चर से हट रहे हैं या हमारी लाइफ में हमारी इकॉनमी में एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो गई है, बल्कि इसका मतलब ये है जो डिक्लाइन आ रहा है इसका मतलब ये है कि लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ दूसरी जो फास्टर ग्रोइंग सेक्टर्स हैं जैसे स्कैंडी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया, उसकी तरफ भी जाना शुरू कर दिया. नेक्स्ट इज़ द सप्लाई ऑफ वेज गुड्स. वेज गुड्स आर दी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज वीट, राइस, पल्सेस, मिल्क, मतलब जो कि हमारे रेगुलर यूज़ होने वाले जो गुड्स हैं जिससे हम फर्दर सप्लाई भी कर सकते हैं, दूसरों को सेल भी करते हैं, उन गुड्स में डील करना शुरू कर दिया. क्योंकि अब एग्रीकल्चर में हम राइस भी उगाते हैं, वीट भी उगाते हैं, पल्सेस भी उगाते हैं, जो पहले लोग सिर्फ अपने लिए उगाते थे अब धीरे धीरे उसकी ट्रेडिंग करनी भी शुरू कर दी. एग्रीकल्चर प्रोवाइड वेज गुड्स टू अबाउट 121 करोड़ पीपल इन इंडिया. जो 121 करोड़ पीपल जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो उनको जो खाना है वो इसी एग्रीकल्चर से मिलता है, जैसा राइस है या मेज है, पल्स है, बाजरा है, दालें वगैरह हमें सारी एग्रीकल्चर से ही मिलती हैं. नेक्स्ट इज़ अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. एग्रीकल्चर इज़ अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओवर 50% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज एग्रीकल्चर इज एंगेज टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. कह रहे कि नियर 50% जो लोग हैं इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो डिपेंड करती है. सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. अब एग्रीकल्चर से ही जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है, जैसा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कॉटन प्रोवाइड उनको कॉटन प्रोवाइड करती है, जो ऑयल इंडस्ट्री उन्हें वो सीड से ऑयल निकालते हैं, या शुगर इंडस्ट्रीज है, शुगर मिल्स को शुगर केन भी एग्रीकल्चर से ही मिलता है. नेक्स्ट इज़ अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स. अब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी यही राइज करते हैं. कैसे राइज करते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, पर्टिकुलरली द कैपिटल गुड्स. और जैसे कि एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर्स यूज़ होते हैं, हार्वेस्टर मशीन्स यूज़ होते हैं, या सीड्स वगैरह यूज़ होते हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो असेंबलिंग है वो कहाँ पर होती है? वो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज़ में होती हैं. सो जो कैपिटल गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, उनकी डिमांड भी एग्रीकल्चर में ही की जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ अ कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल ट्रेड. अब इंटरनेशनल ट्रेड में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? जो कि इंडिया में जो उगाए जाते हैं मसाले उगाए जाते हैं, या फिर जो कैश्यूज हो गए, काजू हो गए, टी, जूट, तंबाकू, कॉफ़ी, स्पाइसेस वगैरह, इन सबको एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि इंडिया में जो फॉरेन करेंसी है वो लोग जो है फॉरेन करेंसी जो है इंडिया में इन्वेस्ट करें. ठीक है. नेक्स्ट इज़ अ कंट्रीब्यूशन टू द डोमेस्टिक ट्रेड. डोमेस्टिक ट्रेड में भी कंट्रीब्यूट करते हैं. अब डोमेस्टिक ट्रेड में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? ये लोगों को फार्म प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं. फार्म प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी परचेजिंग सेलिंग की जाती है.
Agriculture also plays a significant role in the country's domestic trade. This is borne out by the fact that huge expenditure in India is incurred on the purchase of farm product needed by more than billion people in the country. कि काफ़ी लोग जो domestic trade में जो agriculture से related है वो उसमें invest करते हैं, वैसे farm products से purchase करते हैं, जिससे कि India की domestic trade में भी investment होती है. नेक्स्ट इज़ द सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट करती है? अब जो सामान एग्रीकल्चर गुड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर लाया या ले जाया जाता है, जिससे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को काम मिलता है. और ट्रांसपोर्टेशन जो मतलब गाड़ियों में सामान इधर उधर जाता है या शिप्स के थ्रू सामान इधर उधर जाता है, जिससे उनको भी सोर्स ऑफ इनकम मिलती है. नेक्स्ट इज़ द वेल्थ ऑफ द नेशन. वेल्थ ऑफ द नेशन क्या है? क्योंकि ये बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं. और 50% लोग जो है इस पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. मेजर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं. कभी मिट्टी की सैम्पलिंग लेनी है तो इससे क्या है कि अलग अलग सोर्सेज से नेशन को इनकम अर्न करने का जो है मोटिव मिलता है, सोर्स मिलता है, जिससे नेशन की वेल्थ भी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट इज़ द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर के क्या फीचर्स है. फर्स्ट वन इज़ अ लो प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट. इंडिया की जो आउटपुट है वो क्या दूसरी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा कम है. अब राइस की आउटपुट इंडिया में 3.6 टन है पर हेक्टेयर, जबकि चाइना में 6.8 है, वियतनाम में 5.8 है और वर्ल्ड एवरेज है वो 4.5 है. वीट की जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में 3.1 है, चाइना 6.5, यूके 9 एंड वर्ल्ड एवरेज जो है वो 3.3 चल रही है. अब इंडिया तो एवरेज लेवल से भी कम है. मेज 2.6 इंडिया में, चाइना 5.8, यूएसए 10.7, वर्ल्ड एवरेज जो है वो 5.6 चल रही है, जिससे हमें क्या पता लगता है कि इंडिया की जो प्रोडक्शन लेवल है, प्रोडक्टिविटी है, वो काफ़ी कम है. नेक्स्ट इज़ अ डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जो कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होती है. हम कह तो देते हैं कि किसान है ये, मतलब ये ज़मीन पर काम करते हैं, किसान है, पर किसान भी 12 मंथ्स जो है मतलब 365 डेज जो है वो काम नहीं करते. वो भी सीजनल अनएम्प्लॉयड होते हैं, मतलब एक टाइम पे काम करने के बाद, वो 1-2 मंथ्स काम करने के बाद थ्री टू फोर मंथ्स वो फ्री हो जाते हैं, जिसका मतलब होता है डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. जो इनडायरेक्टली जो है, डायरेक्टली तो वो फार्मिंग से जुड़े होते हैं, पर इनडायरेक्टली क्या होते हैं, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं. उन्हें किसी भी तरह से कहीं से भी काम नहीं करते, जो कि उन्हें कहीं से सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं, जो टेलर्स हैं, वो क्या रहते हैं, वो पॉवर रहते हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं. नेक्स्ट इज़ अ डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल. आज के टाइम में भी जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक रेनफॉल पे डिपेंड रहते हैं. अगर रेनफॉल ज़्यादा हो जाए तो उनकी क्रॉप्स ख़राब हो जाती है, अगर रेनफॉल कम हो तो भी उनकी क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान होता है. नेक्स्ट इज़ अ सबसिस्टेंस फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है कि फार्मिंग जो है इंडिया की वो सबसिस्टेंस ओरिएंटेड है. इसका मतलब कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लोगों का यही है कि वो अपने लिए अर्न करें, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए. वो सिर्फ अपने गुजारे के लिए ही अर्न करते हैं, दूसरों को बेचने के लिए नहीं अर्न करते, वो सिर्फ अपना गुजारा करके ही बस सेटिस्फाई हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ अ लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. लोगों के पास क्योंकि लैक ऑफ मनी के कम होने की वजह से वो मॉडर्न इनपुट्स को नहीं यूज़ कर पाते किसान. जैसे कि मॉडर्न इनपुट्स हो गए केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो हैं उनको नहीं प्रॉपरली यूज़ कर पाते, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्शन है, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है, वो कम रहती है. नेक्स्ट इज़ स्मॉल होल्डिंग्स. लोगों के पास छोटे छोटे खेत हैं, मतलब कि एक कुछ एरिया यहाँ पे, कुछ एरिया कहीं दूर है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो फिर वो उसे अच्छे से उस पर काम नहीं कर पाते, प्रॉपर उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज़ नहीं कर पाते, अगर जितनी प्रोडक्टिविटी इकट्ठे लैंड होने पे इंक्रीज़ हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ लैंडलॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट. जो लैंडलॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट है कि जो मालिक है और जो उस पर काम कर रहा है, वो दोनों, उन दोनों के बीच में आपस में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है. ऑनर जो है वो कहते हैं टेनेंट्स को, जो किसान है वहाँ पे, उनको प्रॉपर उनकी इनकम नहीं देते, उनको प्रॉपर पैसे नहीं देते, ताकि वो अपनी जो एग्रीकल्चर से इंक्रीज, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की, उसे इंक्रीज़ कर सकें, जिसकी वजह से उनके बीच में हमेशा झगड़े रहते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी. बिकॉज बल्क ऑफ द फार्म्स इन इंडिया आर ऑफ स्मॉल साइज द बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इज पुअर. द यूज़ ऑफ प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी बिकम इनविटेबल. There is a plenty of
इंस्टांसिस पुल वेयर बुल्स प्लो द फील्ड रेदर देन द ट्रैक्टर, यानी कि लोगों के पास छोटी छोटी ज़मीन है और वो गरीब है जिसकी वजह से वो ट्रैक्टर्स नहीं परचेज कर सकते, वो क्या करते हैं बुल्स को यूज़ करते हैं, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी उसे यूज़ करते हैं, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और एफर्ट्स भी ज़्यादा लगते हैं और प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। नेक्स्ट इज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम्स थी, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन, इनके पास कोई परमानेंट मीन ऑफ इरीगेशन नहीं था, सिंचाई का कोई अच्छा साधन नहीं था, वो उन्हें जो है हैवीली जो रेनफॉल पे ही डिपेंड करते थे और रेनफॉल क्या है कभी आती थी कभी बारिश कभी आती थी कभी नहीं आती थी, जब ज़्यादा आ जाती थी तो फसलें ख़राब हो जाती थी, जब थोड़ी आती थी तो भी फसलें ख़राब हो जाती थी, जो सब्सिक्वेंट प्रॉपर रेनफॉल थी वो बहुत कम होती थी जिसकी वजह से उन्हें सिंचाई जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती थी। नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के पास फाइनेंस की काफ़ी कमी थी उस टाइम पे, लोगों को पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी और लोग जो है दूसरे महाजन जो होते हैं मनी लेंडर जो होते हैं उनके पास लोन लेने जाते थे, जिसकी वजह से वो लोग उन्हें हाई रेट पे लोन्स देते थे और जिसकी वजह से क्या कहते हैं एग्रीकल्चर काफ़ी कॉस्टली हो गई थी, लोग फंड्स के लिए या फिर कह लो कि जो अपना गुजारे के लिए भी वो दूसरों से पैसे लेते थे और उसको रिटर्न करना उनके लिए फार्मिंग से पॉसिबल नहीं हो पाता था। नेक्स्ट इज़ अ कन्वेंशनल आउटलुक, कन्वेंशनल आउटलुक टुवर्ड्स फार्मिंग इज़ येट अनदर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्योंकि लोगों का फार्मिंग के रिगार्डिंग काफ़ी कन्वेंशनल आउटलुक था, वो काफ़ी उनका आउटलुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वेंशनल, जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या करते थे वो एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को पालने के लिए करते थे, अपनी फैमिली की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते थे, बल्कि बिज़नेस वेंचर से बिज़नेस मोटिव से उसे नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर नहीं बन पाता था, प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते थे उस वजह से, और वो सिर्फ अपने रेगुलर जो है अपनी जो बेसिक नीड्स है सिर्फ उसे ही पूरा करके अपने एग्रीकल्चर के थ्रू अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर पाते थे। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, जो किसान है उस टाइम पे उनके पास काफ़ी स्कैटर्ड होल्डिंग्स थी, काफ़ी छोटी छोटी होल्डिंग्स थी और वो भी बिखरी हुई होल्डिंग्स होती थी, जिसकी वजह से वो अच्छे से कोई एग्रीकल्चर टूल जो है वो नहीं यूज़ कर पाते थे। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लोरेटिव एग्रेरियन रिलेशन, एग्रेरियन रिलेशन रेफर्स टू द बिजनेस रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स, जो किसान है और जो ज़मीन के मालिक होते थे उनके पास बिजनेस का रिलेशन होता था। मोस्ट लैंडलॉर्ड्स आर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उन्हें ज़मीन से कोई मतलब नहीं था कि उनकी उसकी जो टेलर्स हैं उन्हें प्रॉपर सैलरी देनी है या लैंड की डेवलपमेंट के लिए भी कुछ पैसे वगैरह देने होते, वो सिर्फ बिजनेस मोटिव से उनके साथ डील करते थे कि हाँ हमने आपको लैंड दिया है तो हमें बस इतनी आउटपुट चाहिए और हमें पैसे चाहिए, उन्हें कोई मोटिव नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लैंड की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट इज़ अ लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम, उस टाइम पे जो मार्केटिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी अनऑर्गेनाइज था, जो छोटे फार्मर्स हैं वो अपने जो आउटपुट है उसे लोकल मार्केट्स में कम रेट पे वे सेल कर देते हैं इंस्टेड ऑफ वो बड़ी मार्केट्स में जाएं, क्योंकि बड़ी मार्केट्स में जाने के लिए जो उनके खर्चे थे जो उनकी खर्चे लगते हैं वो उन्हें उस इनकम से पूरे नहीं हो पाते थे। ठीक है, आपने ये जो हमने टॉपिक्स पढ़े ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं, मोस्ट ऑफ़ द पॉइंट्स जो आपको पहले से ही क्लियर होंगे, तो फिर भी आप यहाँ तक इसे रीड कीजिए, नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।